नमस्कार, शाखानव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। आज हम आपको दिल दहला देने वाली एक ऐसी खबर दिखाने वाले हैं जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। टीवी का रिमोट मांगने पर 7 साल की लड़की के साथ क्या हुआ, जानकर कांप जाएगी आपकी रूह। तमिलनाडु पुलिस ने एक व्यक्ति और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है और इन दोनों पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पड़ोस की लड़की का बहरहमी से कत्ल कर दिया था, क्योंकि उसने टीवी का रिमोट देने का अनुरोध किया था ताकि वह चैनल बदल सके। बता दें कि यह घटना तमिलनाडु के तूतुकुड़ी ज़िले की है। वही मासूम बच्ची सतान कुमार शहर की थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो उस आदमी ने ना केवल 7 वर्षीय लड़की का गला घोट दिया, बल्कि उसके शरीर को अपने दोस्त की मदद से एक बिन में बंद कर उसे नहर के पास फेंक दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार वह बच्ची अपने पड़ोसी के घर टीवी देखने जाती थी, क्योंकि उसके घर में बिजली नहीं है। घटना के दिन बच्ची ने चैनल बदलने के लिए टीवी रिमोट के लिए कहा था, लेकिन उस दौरान उसके पिता से उसकी बहस हो गई थी। हालांकि इस बात से नाराज़ व्यक्ति ने लड़की का गला घोट दिया और उसको एक प्लास्टिक के ड्रम के अंदर डाल दिया। इसके बाद उन्होंने ड्रम का ढक्कन बंद कर दिया। वह आदमी यह नहीं रुका, उसने अपने दोस्त की मदद से कथित तौर पर लड़की के शरीर को ले जाकर नहर के पास फेंक दिया। इस व्यक्ति ने लड़की के शरीर को जिस नहर के पास फेंका था वह उसके घर के 2 किलोमीटर की दूरी पर था। वही लड़की की माँ एक दिहाड़ी मजदूर है। खबर के अनुसार तूतुकुड़ी के SP जय कुमार ने कहा, 2 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। यह घटना सुबह 11:30 से 12 के बीच में हुई। हमें लगभग 2:30 बजे सूचना मिली और कुछ ही घंटों में हमने अपराधियों को पकड़ लिया। जब यह घटना घटी उस समय इस लड़की के पिता का विवाद हुआ था इस आदमी से, और बुधवार को भी इनका विवाद हुआ था। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मेडिकल अस्पताल में इसकी जाँच की जा रही है। हालांकि कुछ स्थानीय मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस बात का दावा किया जा रहा है कि आरोपी ड्रग्स के प्रभाव में थे और उन्होंने नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न भी किया था, लेकिन पुलिस की माने तो अब तक इन आरोपों की पुष्टि नहीं की है। दोनों पर हत्या और पॉस्को अधिनियम के तहत मामले दर्ज कर दिए गए हैं। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।